राधा स्वामी। आपने दो शब्द सुने हैं, कभी साहब का शब्द सुना, उसकी तो दुनिया को जरूरत नहीं है। जो कबीर साहब ने कहा कि वो जो घर है वो बिल्कुल न्यारा सखिया, वो मेरा जो घर है असली, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना वेद है, ना मंत्र है, ना शास्त्र है, ना मूर्ति है, ना पूजा है, ना धूप है, ना पत्ती, कुछ भी नहीं है। वहाँ मेरा सब कुछ वहाँ रहता है। लेकिन दुनिया, मैं अब दिल्ली था, मैं दिल्ली में था, तो एक सज्जन का तराना मध्य प्रदेश से मुझे फ़ोन आया, तराना मध्य प्रदेश से। तो मैंने कहा भाई दो मिनट ठहर जा, मैं ज़रा अपना हेडफोन लगा लूँ, फिर मैं तेरी कहानी सुनता हूँ। तो मैंने फिर अपने इधर से मैंने उसको फ़ोन किया कि तू बता, सयाना आदमी, बुजुर्ग आदमी, कहता महाराज जी मैंने नाम दान लिया हुआ है और मेरा आज तक कुछ भी नहीं बना, मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता, मैं क्या करूँ, कहाँ क्या करूँ, क्या ना करूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, तू कहता नाम दान लिया है तो नाम तुम्हें अगर बुरा ना मान तो नाम तो बता, क्या नाम मिला तुम्हें। तो उसने अपने गुरु का नाम भी बताया जो मैं नहीं बताना चाहता। कहता जी मुझे बताया राधा स्वामी ओम, राधा स्वामी ओम का तुमने स्मरण करना है। अब मुझे चोट लगी ये बात सुनकर, मुझे चोट लगी ये बात सुनकर कि जिस भी महापुरुष ने नाम दान दिया उसको खुद पता नहीं है कि ओम क्या है और राधा स्वामी क्या है। ऐसे ही ना जाने हमारे देश के इन गुरुओं ने, इन आचार्यों ने हमारे को मूर्ख बना के रखा हुआ है। अब राधा स्वामी नाम तो वो है जिसका जिक्र कबीर साहब ने कहा है, सखिया वो घर सबसे न्यारा, वो है घर राधा स्वामी। और ओम जो शब्द है ये तो आ ऊ मां से बना, जहाँ उत्पत्ति है, जहाँ स्थिति है, जहाँ प्रलय है, और ये त्रिकुटी में है, हमारा दूसरा स्थान है। तो ये कैसे मेल हो सकता है, ये कोई मेल हो ही नहीं सकता। आदमी भटक जाएगा और आदमी पछताएगा और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही एक नहीं केस मैं हैरान हो जाता हूँ कि इन महात्माओं ने, इन गुरुओं ने, इन मठधारियों ने हमारे को क्यों लूटा है। एक बात और सुनाता हूँ, मैं कहीं कहीं अखंड पाठ पर चला गया, मुझे रिश्तेदारों के अखंड पाठ था, वहाँ ज्ञानी जी एक शब्द गा रहे हैं संत गुरु रविदास जी महाराज का। वो कहते बेगमपुरा शहर को नाम, वो शहर जो है उसका नाम बेगमपुरा है, जहाँ गम कोई नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो वो जो ज्ञानी गा रहा है वो उसका बता रहा है कि कबीर साहब बनारस के रहने वाले थे और बनारस शहर में कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, सब लोग बड़े खुशी थे। और मैंने जिनके घर में पाठ हो रहा था, जिनके घर में, मैंने उसको बुलाया, मैं कह इधर आओ, ये ज्ञानी कहाँ से लाया तू, इसको यही नहीं पता कि कभी गुरु बाबा रविदास किस बात, किसकी बात कर रहा है। ये बनारस तो लुटेरों का शहर है, बनारस तो ठगों का शहर है, और ये कहता कि गुरु रविदास उस देश की, वो बेगमपुरा तो बहुत, जहाँ वो कहता जो बेगमपुरा का जो वासी वो मेरा दोस्त, वो मेरा साजन है, कभी इसको बाबा रविदास ने लिखा शब्द बड़ा प्यारा है, मैंने सुना हुआ है। अब ऐसी ऐसी वाणियाँ जो कि संतों के मुखारविंद से निकली हैं, उनका दुरुपयोग करके इन लोगों ने अपने डेरे स्थापित किए हुए हैं और दुनिया को लूट रहे हैं। क्या होगा ऐसे देश का। अब मैं आपको शब्द सुनाता हूँ कबीर साहब का, सुनो, निकालो शब्द कबीर साहब का। कबीर साहब भी हमें याद दिला रहे हैं, कबीर साहब भी हमें जूते लगा रहे, जूते
मगर कोई खाए तो सही, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। बस क्या है, आशा है कोई मन में, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा वो हो जाए। तुम वहाँ जाओ तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी, तुम वहाँ जाओ तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी, यहाँ इतने पैसे चढ़ाओ वो तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी, तुम ये मंत्र उच्चारण करो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम हवन करो, तुम यज्ञ करो। क्या ढकौंसला है, क्या लूट पड़ी है मेरे देश में, दुख होता है मुझे ऐसी। तभी तो संतों ने तो कह दिया ये बात, आप पढ़िए स्वामी जी महाराज की बात को पढ़िए, वो कहते घोर अंधेरा जग में भारी, तन में तम का भंडारा, बाहर भी अंधेरा और अंदर भी अंधेरा, जिनके अंदर रोशनी नहीं है बाहर के अंधेरे में धक्के खा रहे हैं, बाहर क्या है, बाहर भी कोई बताने वाला ही नहीं है। संतों ने जोर लगा दिया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पाणी पढ़कर देखो, एक एक शब्द मैं कहता हूँ, मेरा खून अगर लिखे तो भी पूरा नहीं होगा, ऐसा संतों ने वाणियाँ हमें लिख कर दी हैं, ताकि हम सुखी से सुख से जीवन बिता सकें। मगर कोई सुनता नहीं है, बस सुन लिया पढ़ लिया, सुन लिया पढ़ लिया, चलो छुट्टी पाई, क्या देना क्या देना। अब सुनो मैं कबीर साहब आपको सुनाता हूँ वो क्या कहते हैं, पढ़ो। साधो भजन भेद है न्यारा। अब वो कहते हैं साध कौन है, साध वो नहीं जिसने गेरुए रंग के कपड़े डाल लिए या तिलक लगा लिया, साध वो है जो अपने मन की साधना करता है, जो अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न करता है, वो है साध, वो ही है साध, चाहे वो गृहस्थी है, और वो साध हो ही गृहस्थी सकता है, दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि जो हर बात को सहन करता है वो साध है, जो गुस्सा नहीं करता वो साध है, जो प्रेम करता है वो साध है, जो एकता पैदा करता है वो साध है, दूसरा कैसे हो सकता है साध। जो मांग कर खाता है वो तो उसका तो मन ठिकाने रहेगा ही नहीं, मन तो उसका लगेगा जो हक लाल की अपनी कमाई खाता है, वो होगा साध, दूसरा हो नहीं सकता। दूसरा पाखंड है, धोखा है और फ्रेब है, उसको कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए मेरे कबीर साहब आज उन लोगों को संबोधित कर रहे हैं जो मन का साधन करते हैं, जो अपने अंदर बैठ के मन का नियंत्रण करते हैं, मन के ऊपर विचार करते हैं कि ये मेरा मन है क्या, जो मन की साधना करता है वो साधु है, जो मांग कर खाता है और पहरावा किया हुआ है वो साधु हो नहीं सकता। बात मेरी समझ रहे हो, आगे पढ़ो। साधो भजन भेद है न्यारा। भजन किसको कहते हैं, भजन एक भजन बाहर, चलो भजन भजन कीर्तन होते हैं ना, उनको भी लोग कहते हैं भजन कीर्तन है, अच्छा उसका नाम संकीर्तन रख दिया, तालियां भी बज रही हैं, औरतें भी नाच रही हैं और संत भी कुर्तलियाँ बजा रहे हैं, मैं देखता हूँ आज कन्हैया के 5 दिन, आज उसके 5 दिन, आज उसके 5 दिन, ये क्या है, बिजनेस है, कुछ भी नहीं है। भजन तो अंदर है, तुम्हारे अंदर सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे अंदर ही बीन, जितने साज हैं दुनिया में, जितने साज बने हैं जो बजा रहे हैं हम, वो सब अंदर पैदा हुए, अंदर हैं, अंदर ही बज रहे हैं वो, चाहे सितार है, चाहे वीणा है, चाहे ढोलक है, चाहे कोई भी आप ले लो, सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर, क्योंकि यहाँ से वो निकल कर बाहर आए। मेरी बात समझ रहे हो, जहाँ बने पहले वो, जहाँ बना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी बिल्डिंग ऐसे बन गई, पहले इंजीनियर के आर्किटेक्ट में दिमाग में आई ना, फिर उसने कागज़ पर उतार के बिल्डिंग बना दी। तो जो कुछ भी बाहर तुम्हें नज़र आ रहा है, ये इंसान के अपने ही दिमाग, अपने ही मन और अपने ही बुद्धि की उपज है, उससे आगे की नहीं, ये बुद्धि और मन का खेल है। इसलिए वो कहते हैं वो जो भजन है वो तो उसका तो वेद ही न्यारा है, वेद मीन सीक्रेट,
जिसका किसी को पता नहीं। तो कबीर साहब कह रहे हैं साधो भजन भेद है न्यारा, वो इन चीजों से ऊपर की बात है। क्या है वो मैं आगे बताऊंगा, आगे चलो। कामाला मुद्रा के पहले चंदन घसे निरारा, अब बात शुरू कर दी उसमें, फिर पढ़ो। कामाला मुद्रा के पहले चंदन घसे निरारा, माला पहनो चाहे चंदन का टीका लगाओ चाहे किसी तरह का वस्त्र पहनो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। बाहर का आडंबर कोई मतलब नहीं रखता, वैसा आडंबर करने वाले हमारे समाज के ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा बोझ है। आगे बढ़ो। कामाला मुद्रा के पहिरे चंदन घसे गिरारा, मुड़ मुड़ाए सिर जटार खाए अंग लगाए छारा। कहते हैं चाहे मुंड बना लो चाहे जटा लगा लो चाहे शरीर के ऊपर भस्मी लगा लो तो भी वो मिलने वाला नहीं है, वो भी बहुत गलत है, संत मत में इसकी निंदा की जाती है। आगे पढ़ो। का पानी पान के पूजे कंद मूल फरहारा, तुम पानी की पूजा करो चाहे पत्थर की पूजा करो चाहे कंद मूल खाओ जो जमीन में पैदा होता है, उससे भी वो खुश नहीं होगा, वो तो कुछ और है। क्या है? गुरु नानक साहब ने कहा काल खाए कुछ हथों दे नानक नाम पछाने से। देखो कितनी बड़ी बात कह रही, नाम किसको मिलेगा जो मेहनत करके खा रहा है, जो अपने शरीर की कमाई से इन पांच कर्म इंद्रियों के प्रयोग से और ज्ञान इंद्रियों के इस्तेमाल से अपनी कमाई अपने हक हलाल की कमाई करके परिवार को पालता है और फिर कुछ अपनी कमाई से किसी की मदद भी करता है, हथों देता है, किसी की मदद करता है, किसी भूखे को रोटी खिलाता है, किसी नंगे को कपड़ा देता है, किसी गिरे को उठाता है, वो नाम को पहचानेगा। गुरु नानक साहब जी महाराज ने फरमाया। सोचो हमारा देश क्या ये कर रहा है, क्या हमारे देश में हक हलाल की कमाई हो रही है? क्या दोपहर मेरे को एक पूना से टेलीफोन आया दोपहर को, बाबा जी मेरी वाइफ आपसे बात करना चाहती है। मैं किस वक्त तुम क्या कर रहे हो? मैं ड्यूटी पर हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे पास बैठ। मैं कहा बंद कर अपना टेलीफोन, तुम सरकार के टाइम की चोरी करके मेरे से बात करना चाहता है, तू सरकार के टाइम में ड्यूटी दे रहा है और मेरे से बात करना चाहता है, बंद कर नहीं तो मैं बंद करता हूँ। मैंने बंद कर दिया, आप अपने घर में बैठकर मेरे से बात करो, ये समय जो है ये ड्यूटी है, तुम्हें इसके पैसे मिलते हैं, तुम आधा घंटा मेरे से बात करोगे पाँच मिनट, मैं भी दोषी तुम भी दोषी क्योंकि मैंने तुम्हें टाइम तेरा ले लिया। बात समझ गए? कुछ सोचो मैं क्या कह रहा हूँ और देखो देश में हो क्या रहा है। इसलिए क्या कहते हैं पढ़ो यही लाइन फिर दोबारा। का पानी पान के पूजे कंद मूल फरहारा, कहने तीरथ व्रत कीने जो नहीं तत्व बिचारा। अब करो यार साधो भजन, तुम व्रत करो तीर्थ करो यात्रा करो पूजा करो पाठ करो जप करो तप करो जो मर्जी करो, अगर इनका कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों नहीं फायदा? क्योंकि तुम तत्व का विचार नहीं करते। वो तत्व क्या है कि तुम कौन हो? बात को पकड़ो क्या कह रहा हूं मैं। तत्व तुम्हारे अंदर है। तत्व कहते हैं एक छोटे से हिस्से को, एलिमेंट को, छोटा सा हिस्सा तत्व। तत्व क्या होता है? पानी की बूंद तत्व है। किसका? सागर का। किरण, सूरज की किरण क्या है? सूरज की किरण का तत्व है। बात समझ रहे हो?
और फूल, फूल में क्या तत्व है, उसकी खुशबू। मेहंदी, मेहंदी में रंग क्या है, मेहंदी का रंग उसका तत्व है। मेरी बात को पकड़ रहे हो? चुंबक, चुंबक में क्या है, कशिश, वो उसका तत्व है। ऐसे ही ऐ इंसान, तेरे इस पांच तत्व के चोले में, जिसमें पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, इसमें भी एक तत्व है। वो तत्व, जब तक उसका तुम विचार नहीं करोगे कि मैं कौन हूं, तब तक ये तुम्हारा बाहर का पखंड तुम्हें काल और माया में भरमाए रखेगा, और तुम चरासी की जूनियां भोगते जाओगे, भोगते जाओगे, जब तक तुम्हें कोई सतगुरु नहीं मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो, क्या कहते कबीर साहब। का गाए का पढ़ी दिखलाए, का भर में संसारा, क्या कहते, क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं तो बलहारी जाऊं सतगुरु अपने के, जिस भर्म किया सब दूर, चंदा चलिया सब आलम देखे, मैं देखूं भ्रम दूर। जिस दिन मेरे बाबा फकीर ने मुझे यहाँ बैठे हुए कहा, बेटा तूने कोई किताब नहीं पढ़ना, तूने मन की किताब पढ़ना है, तो मैंने तो पढ़ना ही छोड़ दिया। क्या कहा मैंने, क्या कहते, वो क्या कहते, क्या पढ़े, क्या पढ़ दिखलाए, पढ़ो। का गाए का पढ़ दिखलाए, का भर में संसारा, भर में पड़ा संसार में, संसार में सुनो, ध्यान से बात सुनो, जो चीज भी इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर आज नजर आ रही है, वो कल को नहीं होगी। सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई चीज स्थिर नहीं है। जहां केवल तीन हस्तियां काम कर रही, कुदरत की उत्पत्ति की एक हस्ती है, एक स्थिति की एक हस्ती है, और एक प्रलय की एक हस्ती है। हमारे ऋषियों ने हमें समझाने के लिए नाम रख दिए उनके, ब्रह्मा विष्णु महेश रख दिया, मगर क्या किसी ने उनको देखा, क्या भगवान को किसी ने देखा, क्या किसी देवी को किसी ने देखा? अगर देखा तो उसके मन ने पैदा किया उसको। बाबा फकीर ने बार बार कहा, तुम जो कहते मैं आया, मैं तो था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी तुम पूजा करते हो वो भी है नहीं। क्या कहा, अगर मेरी सुनो, मैं तो ये कहूँगा, अगर सबसे बड़ा कोई ब्रह्मा है दुनिया में, तो वो माँ है और बाप है, जिसने हमें पैदा किया। अगर सबसे बड़ा कोई विष्णु है जो पालन पोषण करता है, तो वो भी माँ और बाप है, दूसरा कोई है नहीं। क्या कहा मैंने, मगर तुम लोग तो भटके हुए हो, कहाँ है, बताओ, किसने देखा उनको? किसी के चार रूप बना लिए, किसी के जटाजूट बना दिया, किसी के गले में सांप डाल दिया, किसी को कुछ बना दिया। अरे उनका भी तो कुछ समझो, कि शिव का जो रूप बनाया उसका मतलब क्या है, शिव का जो रूप बनाया उसका मतलब क्या है? हाथ में त्रिशूल है, एक डमरू है, और गले में सांप है। सांप क्या है, मौत की निशानी। डमरू क्या है, दो हिस्से, दुख और सुख। त्रिशूल क्या है, तीन गुण, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण। क्या कहा मैंने, किसके पास नहीं है, तुम्हारे पास भी है, मगर वो बाहर में दिखा दिए, भस्म लगा दी। क्यों लगाई भस्म, कि ये दुख सुख दुनिया में रहेंगे, ये तमोगुण सत्वगुण भी दुनिया में रहेगा, लेकिन शरीर मिट्टी है। क्या कहा मैंने, क्या क्या नाम तेरा, अशोक कुमार। ये वो एक किस्म का प्रमाण, एक किस्म का प्रमाण दिया गया है, दिखाना क्या किया गया है, लेकिन कोई बताता नहीं इसका मतलब क्या है। ब्रह्मा के चार रूप क्यों बनाए गए? ब्रह्मा सारे तरफ देख, सारे पासे है, वो इधर भी है, इधर भी है, मेरे पीछे भी, आगे भी है। क्या कहा मैंने, वो जो शक्ति है, पैदा करने वाली शक्ति, वो कहाँ है? एवरीवेयर, कहाँ नहीं है, बताओ कहाँ नहीं है? वो हर जगह है,
मगर उसका प्रयोग कौन करता है? कोई संत करता है, दूसरा कर नहीं सकता। इसलिए इन बातों को गहराई से कोई चिंतन नहीं करता कि ऐसा क्यों हमें दिखाया गया है, क्या कारण है। तुलसी की पूजा घर में क्यों की जाती, कोई बताता है? और पीछे मैंने देखा वहाँ ऊना में, कहते जी तुलसी का ब्याह है आज, तुलसी का ब्याह कोई करने आएगा, वो भी कोई दिखाया देखता। मैं तो विश्वास नहीं करता, बड़ा ड्रामा हुआ, बड़ी भारी बारात निकली, तुलसी पौधे की ब्याह हुआ, तुलसी का पौधा, क्या कहा मैंने। तुलसी का इसलिए मतलब है कि उसमें 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है, उसमें 24 घंटे दिन और रात ऑक्सीजन है, बाकी किसी वृक्ष में दिन और रात नहीं है, केवल पीपल का वृक्ष और ये हमारी जो तुलसी, ये दो वृक्ष हैं। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जहाँ पीपल का वृक्ष होगा लोग उसके चरणों पर सुबह जाकर चक्कर लगाते हैं, धागा बांधते हैं, कोई कपड़ा बांधता है, ये तो उनको पता नहीं भाई सात चक्कर लगाने से तुम्हें क्या फ़ायदा। भाई फायदा ये है कि उसको सात चक्कर लगाने में ऑक्सीजन मिल जाती है, फेफड़े साफ हो जाते हैं, क्या कहा है। इसी तुलसी के पास दिया जलाया जाता है ताकि तुलसी के पास दिया जलने से ऑक्सीजन जहाँ होगी वहाँ दिया ज़्यादा चमकेगा, जहाँ ऑक्सीजन नहीं वहाँ दिया नहीं जलेगा, करके देख लो, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ दिया नहीं जलेगा, इसलिए वहाँ दिया जलाया जाता है ताकि वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इकट्ठी हो जाए और हम सांस लें तो हमारा दमा दूर हो जाए। पर कौन करता है ये बात, मैंने ट्राई करके देखा। एक सज्जन मेरा इधर था हरियाणा में, गांव है शेखुपुर, वो खुद डॉक्टर था, हर साल मुझे बुलाते थे वो, उनको डॉक्टर ने कहा कि आपका फेफड़े जो हैं ये ख़त्म हो चुके, आप घर चले जाओ और बच्चों को कहा तुम सेवा करो। मेरे साथ फ़ोन किया उनके लड़के ने, मैं कहा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कम से कम एक साल तो उनका डॉक्टर जिया रह सकता है क्योंकि इसको ऑक्सीजन पूरी मिलेगी। तो तुलसी का बूटा अगर है तो उसके पास देसी घी का दिया जलाओ और उनको कहो वहाँ बैठ जाए और वो आधा घंटा लंबा सांस खींचे और धीरे धीरे छोड़े और शाम को भी और सुबह भी एक साल पूरा जिया हो, एक साल पूरा, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। बात समझ गए, इनमें ऑक्सीजन है, इनमें बहुत बड़े गुण हैं इन चीज़ों में, मगर हम नहीं जानते, हम वैसे ही चक्कर लगा लेते हैं कि चलो जी पूजा हो गई और मूर्ति के ऊपर पानी डाल दिया, वो ये कर दिया, कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारी आस्था है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें पार करना है और किसी ने पार नहीं करना, क्या कहा मैंने। आगे पढ़ो, का गाए का पढ़ दिखलाए का भरम संसार, ये भरम है सारे का सारा, जितना बाहर का तुम देख रहे हो, बाहर का धार्मिक अडंबर देख लो, सामाजिक अडंबर देख लो, राजनीतिक अडंबर देख लो, कितने कितने अडंबर, में क्या क्या गाँव हूँ आपको, सब समय के अधीन हैं, सब काल और माया की उत्पत्ति हैं, आज हैं कल को नहीं रहेंगे, आज तख्त है परसों को तख्ती भी नहीं रहेगी, क्या कहा मैंने। ये तो वक्त की चाल है, जिसने वक्त की चाल को समझा वो शांत रहता है, जिसने वक्त की चाल को समझा नहीं वो भटक जाता है। आगे चलो, का संध्या तर्पण के कीने का सत्य कर्म अचारा, कहते हैं सुबह संध्या, शाम को संध्या, सुबह तर्पण करो, पता नहीं तर्पण क्या होता है पंडित जी, कोई पानी पूरी देना हो रहता है ना, तर्पण करते हैं और टीका लगाना, तर्पण करना, संध्या में कुछ घंटी बजाना और क्या क्या को करते लोग, तो फिर पढ़ो यही दोबारा, का संध्या तर्पण के कीने का सत्कर्म अचारा, सत्कर्म छह तरह के कर्म होंगे, कोई मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो कभी कुछ किए नहीं, कोई छह तरह के कर्म होंगे जिससे हम कोशिश करते कि हमारा जो देवता है वो खुश हो जाए, उसको छठ कर्म कहा गया है। मैंने तो कोई कर्म नहीं किया ऐसा, मेरा एक ही कर्म है, अब ध्यान से बात सुनना, ध्यान से बात सुनना,
तुम्हारा संसार ये पांच कर्म इंद्रियों पर आधारित है। जिधर मर्जी इनका प्रयोग कर दो तुम सफल हो जाओगे, मगर उन कर्मों को इन पांच ज्ञान इंद्रियों से करने के पहले अपनी पांच ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग जरूर करो, क्योंकि कोई भी काम करना है तो पांच ज्ञान इंद्रियां हमें मालिक ने दी हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नासिका दी है, हमें बोलने की ताकत दी है, और हमारी त्वचा, हमारे शरीर, गर्मी का हाथ पता लग जाएगा कि ये गर्म है या करंट है या ये है, वो पता लग जाएगा ना। तो उसको कहते हैं ज्ञान इंद्रियों से विवेक। ज्ञान इंद्रियों से क्या मिलता है? ज्ञान, विवेक मिलता है, समझ मिलती है। ज्ञान इंद्रियों की समझ, ज्ञान इंद्रियों के विवेक के साथ पांच कर्म इंद्रियों का प्रयोग करते हुए इस संसार में सुख में जीवन गुजारने का प्रयास करो। बस पहली बात तो ये, अगर संसार सुखी नहीं है, अगर तुम्हारा दुनिया बनी नहीं है, अगर दुनिया की आपकी अभी तक जरूरतें पूरी नहीं हुई, तुम भजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तुम्हें अगर भगवान भी आके कहे कि मेरे नाम का सिमरन कर, तुम वो सिमरन नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? सिमरन केवल वो ही करेगा जो पूर्ण संपन्न है, जिसे अब कोई चीज की जरूरत नहीं चाहिए। और फिर मैं और क्या कहूँ, और इससे आगे भी कह देता हूँ कि अगर तुम्हें अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर पूरा विश्वास हो गया कि जो कुछ वो करता है मेरे भले के लिए करता है, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है, तो तुम्हें मांगने की जरूरत भी नहीं रहेगी। जो जो चाहे तुम्हें मालिक अपने आप देता जाता है, तुम्हारी जरूरतें अपने आप पूरी हो। तुम जरा दिल को साफ करके देखो, क्या कहा मैंने, अपने आप को साफ करके देखो, फिर देखो क्या नहीं होता। बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। अगर मन साफ नहीं है तो फिर वो भी तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। पहले सोने का बर्तन में ही शेरनी का दूध पड़ता है, और वो तो अमृत है। अमृत के लिए तो फिर तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए, वैर विरोध खत्म होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, निडर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए, फिर सारे काम बनते हैं, अदरवाइज कोई काम नहीं बनेगा। क्या कहा? तो कौन सी सफाई करनी है? पहले चिंता मुक्त हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, अडोल हो जाओ, फिर हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा काम कैसे निभाता, सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे चलो। जैसे बधी के होठ काटी के हाथ लिए बिख चारा। देखो क्या कहते हैं, अब फिर पढ़ो ये लाइन, बड़ी ऊंची बात है। जैसे बधी के होठ काटी के हाथ लिए बिख चारा। कहते हैं कि ये जितने कर्म कांड है पंडित जी, जितने कर्म कांड हैं, जो कुछ ऊपर बताया, जो कुछ भी ऊपर बताया, शरीर को राख लगाना, क्या नाम है, मुद्रा पहननी, माला पहननी, जटर खानी या मन बटाना, जितना कुछ भी ऊपर बताया है, कहते ये क्या है? ये ऐसे है जैसे एक शिकारी होता है ना, शिकारी शिकार खेलने के लिए अपना जो बंदूक है या अपना बाण है या अपना तीर है, वो ऐसे सेध लेता है, और कब मारता है? जब शिकार सामने आ जाता है, मार देता है ना। तो मेरे कबीर साहब कहते हैं ये जितना कर्म कांड मैंने बताया, ये जितना धार्मिक अडंबर मैंने बताया, ये काल रूपी है और ये इंतजार कर रहा है कि ये मेरे बकरे हैं, मैंने इनको मारना है, मैंने इनको काटना है। बात समझे कि नहीं समझे? ये ऐसे है जैसे शिकारी अपने शिकार के लिए इंसान को तैयार कर रहा है, जैसे कसाई बकरे को तैयार कर रहा है,
ये सारा आडंबर काल रूपी कसाई हमें पसाया हुआ है और हमें वो एक दिन अपना शिकार बना लेगा और इन आडंबरों से हम बच नहीं सकते। क्या कहा मैंने, कितनी ऊंची बात कह दी कबीर साहब ने। ये क्या है, ये चारा है, ये खुराक दी है, ले ये खाई जा, ले भस्म लगाई जा, ये मुद्रा पा ले, ये जटा रखा ले, ये कर ला, हूँ तप तप नहा के आ, हूँ सूरज नु पानी दे, माला फेर, ये क्या है। काल ने क्या, तू करी जा मैं तेन ऐदा दबोचना जिदा शिकारी दबोच लेंदा। और क्लियर करते हैं, इससे परे और क्या कहो। ये शिकारी है हमारा गला पकड़ कर काल में ले जाने के लिए, जम है ये, यही जम है और कोई जम है नहीं। आगे पढ़ो। जैसे बधी के ओट काटी के हाथ लिए दिख चारा, जो बक धान धरे घट भीतर अपने अंग बिकारा। क्या है, तुम ऐसे कर रहे हो जैसे पानी में पकला, क्या होता है चित सफेद रंग का, क्या उसको बोलते हैं, पकला, वो खड़ा है, ध्यान लगा के खड़ा है, अंदर विकार है। क्या विकार है, जब मछली है तो ऐसे पकड़ लेते हैं, बात समझ गए ना। कहते जे ऐसा ध्यान लगाया हुआ है इन्होंने, क्या पे हूँ, आ जाओ मत्थर टेक लो मत्थर। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, मैं हमीरपुर गया, वहाँ सत्संग था किसी के घर में, तो वहाँ एक मंत्री जी भी आए, बात चली तो जाती दफा वो कहता है महाराज जी बाबा जी मेरे घर से होकर जाना। मैं क्या अच्छा, क्योंकि रास्ते में था, मैं क्या जरूर मिल के जाऊँगा, आपने कहा है तो जरूर मिल के जाऊँगा। वो तो चला गया, तो मुझे एक सज्जन ने बताया कि ये पूजा बहुत करते हैं मंत्री जी, बड़े तिलक लगाए थे, कहते जदों भी टेलीफोन करो साहब तो अभी पूजा कर रहे हैं। झूठ बोलना दोपहर को करो साहब, वो पूजा मंदिर में है, मिलना नहीं, किसी को मिलना नहीं। और हुआ जे कि वो हार गया वो हार गया और वो फिर मुझे बताया, हमारा आशीर्वाद दो। मैंने कहा देखो, उनका नाम लेकर कहा, मैंने कहा वर्मा साहब ये जो पद है ना, ये जो पद आपको मिला था, ये क्योंकि आप एम्प्लॉयज़ के नीजर थे, एम्प्लॉयज़ ने तुम पर विश्वास किया और उन्होंने तुम्हें बना दिया, लेकिन आप तो उनकी बात ही नहीं सुनते, कहाँ है पूजा स्थान, कहाँ मुझे बताओ जहाँ पूजा करते हो। क्या कहा मैंने, कांच की हंडिया, लकड़ी की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, वो टूट जाती है, जल जाती है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, मैं क्या कह रहा हूँ, इसलिए अपना स्वार्थ मत देखो, जहां तुमने अपना स्वार्थ देखा वहीं तुम फंस जाओगे, क्योंकि वो गले की हड्डी बनेगी। जो भी काम करना निस्वार्थ होकर करो, ड्यूटी समझ कर करो, इफ इट इज ड्यूटी तुम गलत नहीं करोगे। और ड्यूटी किसकी, मालिक की ड्यूटी, कि ये मालिक ने मुझे काम दिया है, ये मालिक का काम है, इसमें मैं एक सेकंड क्या आंख की झपक के समय भी इतना भी टाइम मैं बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि मालिक ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, मुझे ये ड्यूटी दी है, बाल बच्चों के प्रति ड्यूटी दी है, पत्नी के प्रति ड्यूटी दी है, और माँ बाप के प्रति ड्यूटी दी है, समाज के प्रति ड्यूटी दी है, देश के प्रति ड्यूटी, मैं सब कुछ दिया आपको सर। ऐसे बनो तुम लोग, देश का भला चाहो, समाज का भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो और पड़ोसियों का भी भला चाहो, तो तुम तर जाओगे। ये नहीं कि पड़ोसी को देखकर जल जाओ, पड़ोसी को देखकर बुरा मानो, बुरी बात है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है। तुम मानवता को मानने वाले हो, तुम मानवता मंदिर में आते हो, इसलिए मानवता तो कहती है कि
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, एक पिता एक इसके हम बारिक, फिर हम में क्यों भेदभाव आए, नहीं आना चाहिए, हम तो एक कोई मानते हैं भाई, हम किसी को नहीं मानते और हम किसी की बुराई भी नहीं करते, लेकिन सच्चाई कहने से डरते भी नहीं हैं, क्योंकि तुम अगर उस जाल से बाहर आ जाओ, उस शिकारी से बच जाओ जो तुम्हें अपना शिकार बना रहा है, और तुम बगला पक्त मत बनो, आप समझ गए, तो फिर नहीं काम चलेगा। इसलिए कबीर ने तो बड़ी ठाट से कह दिया, तुम ऐसे पानी में खड़े हो गए हो और बगला भक्त बने हुए हो, जब देखा विकार अंदर विकार है कि बस मछली आए तो मैं पकड़ लूँ, वो तो विकार ही है ना, अपना मतलब देखा, अपना मतलब देखा तो बुरी बात है। आगे पढ़ो। दए परचे स्वामी हुए बैठे लो, करे विषय व्यवहारा, पढ़ो यही, अब गुरुओं की बात आ गई। दए परचे स्वामी हुए बैठे करे विषय व्यवहारा, अब कहते हैं मेरे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपना परिचय देते हैं, परिचय मैं क्या हूँ, मेरे अब आप अपनी आँखें बता, अपनी देखी बता, बैसाखी पर मेरे साथ कई लोग ऊपर बैठ जाते हैं, स्टेज पर देखा होगा ना आपने, बैठे होते हैं ना, अब क्या पता चला कि वो जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वो फोटो दिखाते हैं, आ देखो हम पर बाबा कमलदास जी के साथ बैठे हैं, हम यहाँ यहाँ भी हम लेक्चर दिया है, हम मानवता मंदिर के आचार्य हैं, और लूट पाई हुई है उन्होंने बाहर, मुझे लग गया पता सारा, अब मैं आएंगे तो मैं कहूँगा सेठी साहब को कि मुझे पूछो किसको बिठाना किसको नहीं बिठाना, मैं नहीं बैठने दूंगा किसी को, ये मेरे मंदिर को बदनाम करने वाले आ गए यहाँ, बस फोटो है ना हमारे पास, फोटो है, जा देखो बीबी, आ देख माता वहाँ थी, मैं तो वहाँ बैठी थी, वहाँ मैंने भाषण दिया, और सुन लो बेशक, बात समझ गए, ये परिचय दे रहे हैं, और ऐसे मेरे देश में अनेकों बड़े आचार्य बने हुए हैं, किसी ने दाढ़ी रख ली, किसी ने चोले डाल लिए, और किसी ने औरतों ने अपनी साड़ी ही बदल दी, रंग ही बदल दिया, अरे क्या बात है, ये क्या हो रहा है, मैं तो ऐसे लोगों को दीवार और दरवाजा नहीं टपने दूंगा, मत आए यहाँ, ऐसी बात करनी है तो, ये बाबा फकीर का स्थान है, ये परिचय देने का नहीं है, कि हम देखो स्टेज पर बैठे हैं, मेरी बात को सुनो, क्या कह रहा हूँ मैं, ये हो रहा है, मैंने मुझे लग गया पता सारा, मुझे सब पता लग गया, आगे पढ़ो पढ़ो फिर यही पढ़ो। दए परचे स्वामी होए बैठे करे विषय व्यवहार, क्या है व्यवहार, कैसा करते हैं, अपने मतलब का, अपने मतलब का व्यवहार करते हैं, विषय विषय विकार, विषय विकार होता है बुरे बुरे कर्म, और आगे फिर पढ़ो। ज्ञान धान को मरम न जाने बाद करे निकारा, तो ज्ञान का पता उन्होंने ना ध्यान का पता उनको, नाम क्या होता है, ध्यान क्या होता है, किधर को मुंह करके बैठना है, कितना खाना है कितना पीना है, ये भी नहीं पता, और लोगों को तो शिक्षा दे रहे हैं, लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, ऐसे नरक में जाएंगे, चेले भी और गुरु भी दोनों जाएंगे नरक में। आगे पढ़ो। फूंक कान कुमतिया पुरे से बोझ लियो सिर भारा, कुमति क्या है, कान में, कान में नाम देते हैं, और नाम में तुम्हें बता ही दिया, क्यों बेचारे वहाँ से क्या नाम है मध्य प्रदेश से मुझे फोन आया, सियाणा आदमी, नाम क्या दिया, राधा स्वामी ओम, राधा स्वामी मत में ओम का दूसरा स्थान है, और राधा स्वामी तो पांचवें पद से भी ऊपर है, कहा स्वामी जी महाराज ने लिखा राधा स्वामी गाय का जन्म सर्व कर ले, उन्होंने ये नहीं कहा राधा स्वामी ओम कहो,
मैं एक जगह और गया, इधर बलिया, वहां मुझे कहे राधा स्वामी राम। मैं कहा ठहर, राधा स्वामी के साथ राम कहाँ से आ गया त्रेता युग का? भाई कौन सा राम बोल रहे हो तुम? मेरे साथ किसी ने ऐसा नहीं कहना मुझे, राधा स्वामी राम है ना, कुमति है ना, बुरी मत है ना, राजा स्वामी मत के खिलाफ। इनको खुद ही नहीं पता राजा स्वामी मत है क्या, मगर मत्था टुकवाते हैं, पैसे भी जेब में डालते हैं और लोगों को मिसगाइड करते हैं। राजा स्वामी राम, राजा स्वामी ओम। और फिर एक जगह मुझे और भी पता चला, तो उन्होंने बताया राजा स्वामी सतनाम। मुझे क्या नाम दिया बाबा जी ने? राधा स्वामी सतनाम। अब बताओ तो क्या बनेगा? फिर ठीक कहा कबीर साहब ने, लालची गुरु स्वार्थी चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ठीक लिखा है, बिल्कुल अटल लिखा है, साथ लिखा है, दोनों ही नरक में जाएंगे। क्योंकि ना उनको पता नाम क्या है, ना दाम दिया जाता, ना उनको पता नाम क्या है। वो जपेंगे तो जाएंगे कहाँ? नाम तो वो है, नाम तो वो है, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाय फोई तरे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। ये है नाम जिसमें सुख मिलता है, और वो तुम्हारा अपना नाम है। राधा स्वामी ओम तुम्हारा नाम नहीं हो सकता, राधा स्वामी राम भी नाम नहीं हो सकता, तुम्हारा नाम राधा स्वामी सतनाम भी नहीं हो सकता। सतनाम अपने आप में एक नाम ही, ओम अपने आप में एक नाम है, और राम भी अपने आप में एक नाम है। इनको जपोगे तुम्हारा मन शहर ठहर जाए, लेकिन तुम ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर तुम्हारे केवल एक नाम ही लेकर जाएगा। और उसका जिक्र वो क्या है, वो क्या है, वो तत्व है, वो तत्व विचार है। कौन सा तत्व विचार? आगे पढ़ो। फूक कान कुमति अपने से बोझ लियो सी भाया। बोल ले रहे हैं वो अपने सिर पर बोझ ले रहे हैं। तुम किसी को मिसगाइड करोगे, किसी को धोखे में रखोगे, तो तुमने उनको नहीं धोखा दिया, तुमने अपने आप को धोखा दिया। तुमने किसी के साथ झूठ बोला, तुमने उनके साथ झूठ नहीं बोला, तुमने अपने आप के झूठ बोला। अगर ऐसा ना होता कबीर साहब कभी ना कहते, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सांचा तो केवल वो है, पंजाबी में बुरा ना मान, पंजाबी में बड़ी अच्छी अच्छी कहावतें हैं। क्या बुजुर्ग कहते, नंगा पुत चोरा च खेल ले नंगा पुत चोरा च खेल ले, नंगे पुत चोर ने की ले लेना। अगर उसने ज्यादा कपड़े पाए होंगे, पर्स भी पाया होगा, सब कुछ पाया होगा, उन्हें तो लुट लेना, तो नंगे पुत तो की ले लेना किसी ने। जो साफ आदमी होता है, जो निर्भय होता है, जो निर्लेप होता है, जो निस्वार्थ होता है, जो सत्य बोलता है, तुम्हारा भला चाहता है, वो नंगा है। क्या कहा मैंने? वही नंगा है। कपड़े नहीं डाले, डाले हैं, लेकिन वो अंदर से साफ है। अंदर से साफ हो तो तुम नंगे हो। अगर अंदर टकिया किसी और चीज ना, बगला भक्त बने हुए हो, तो फिर तुम नंगे नहीं हो। क्या कहा मैंने? मैंने बहुत ऊंची मिसाल आपको दे दी। तुम भी सुन रहे हो, आपको अच्छा लगा? हंस रहा है छोटा बच्चा तेरे पीछे बैठा आगे चल। बिन सतगुरु गई केती के नहीं गए, बिन सतगुरु गुरु केती बही गए। कहते हैं सतगुरु के बिना अनेक गुरु बह गए, ऐसे ही है ना। सतगुरु फिर कौन हुआ? सतगुरु फिर कौन हुआ? कबीर साहब कहते हैं, पढ़ो फिर रही लाइन। बिन सतगुरु
गुरु के भी बही गए। कई गुरु बह गए, कहां बह गए? नरक में, नरक में बह गए। फिर किसके? गुरु के बगैर, सतगुरु के बगैर। आगे पढ़ो। बिन सत गुरु गुरु के भी बही गए, लोभ लाल की धारा। लोभ लाल की धारा, लोभ और लालच की धारा में वो बह गए। मेरा मंदिर बन जाए, मेरा धाम बन जाए, मेरे को आ हो जाए, मेरे को आ हो जाए, इसी चक्कर में पड़े हुए हैं ना, उसमें बह गए वो। तो अब सतगुरु कौन हुआ? सतगुरु मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने बताया, किसी ने नहीं बताया, किसी ने आज तक किसी गुरु ने ये नहीं बताया कि सतगुरु क्या है। सतगुरु तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हारे अपने अंदर है, और वो क्या है? प्रकाश शब्द। प्रकाश गुरु के चरण है, और तुम्हारे अंदर जो शब्द हो रहा है वो गुरु है, और फिर उस प्रकाश को देखने वाला और उसको शब्द को सुनने वाला कौन है? वो तुम हो। इससे बड़ी बात मेरे पास कहने को कोई नहीं है, वो तुम हो। जब तक तुम वहां नहीं पहुंचोगे, तुम्हारे भ्रम दूर नहीं होंगे। इसलिए कई गुरु, साधारण लोगों का क्या कहना, वो तो भोले वाले हैं। उनको तो एक ही विश्वास दिया गया कि आ जाओ, गुरु में भेंट दे जाओ, नाम ले जाओ, मरते समय तुम्हें ले जाएगा। बस ये है उनको, जब किसी गुरु ने और कोई ढंग बता दिया कि यहाँ कमरे बना दो तुम तर जाओगे, किसी ने कह दिया ये कर दो तुम तर जाओगे, ये क्या है? ये तर नहीं सकते, तुम नहीं तर सकते। बंधुए को बंधुआ मिले, छूटन कौन हो पाए, कर संगत निर्बंध की पल में देश राय। जो खुद ही बंधे हुए हैं, या देरों से, या अपने धाम से, या अपने मठ से, या अपने किसी धार्मिक स्थान से, वो तुम्हें क्या छुड़ाएंगे? इसलिए मेरे दाता पंडित जी महाराज ने कहा, इट इज ब्लेसिंग टू डाई टू हैव ए बर्थ इन ए चर्च। किसी धर्म में पैदा होना मुबारक है, बट इट इज कर्स टू डाई इन ए चर्च। लेकिन उसी में मर जाना महापाप है। तुम उससे आजाद हो जाओ, उस बंधन से आजाद हो जाओ। वहां से अपना मतलब लिया, वहां से अपना ज्ञान लिया, वहां से अपना ध्यान लिया, वहां से अपना अनुभव लिया, और जिंदगी को खुशी से गुजारो। फिर वहां एहसान रह जाता है, एहसान को नहीं भूलना। अगर एहसान भूल गए किसी महापुरुष का, तो फिर भी तुम नहीं तर सकते। क्योंकि कबीर ने कहा, कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत। कामी क्रोधी पापी तर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी चीज पर विश्वास रखा हुआ है। अनुपासक कृतगण तरे न नाम रखता। अनुपासक जो किसी दूसरे की पूजा करता है, उसमें गुरु भी आ जाता है। क्या कहा मैंने? अनुपासक किसी दूसरे की पूजा, मूर्ति की पूजा, किसी और चीज की पूजा, वो आन है। अनुपासक कृतगण, कृतगण जिसने तुमसे भला किया, तुम्हारे को पाला पोषा माँ बाप ने, तुम उनकी सेवाएं नहीं करते। भाई ने तुम्हारी मदद की, तुम भी उसकी मदद नहीं करते। तुम समाज ने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम समाज को भी अच्छा नहीं समझते। देश में तुम देश की शांति के लिए कुछ नहीं करते, तो तुम अनुपासक हो। मेरी क्या बात कही है? फिर नहीं तुम तर सकते। बात को गहरी को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा मतलब कुछ कहने का है। ये स्थान जो है, ये भाषण नहीं है, मैं लक्षण नहीं दे रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। हृदय से कह रहा हूँ कि तुम यहाँ आते हो, सुखी हो जाओ। बात को समझो, जो कुछ है तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर जो कुछ भी देखते हो, ये परिवर्तनशील है, ये सदा रहने वाला नहीं है। ना शरीर सदा रहने वाला, ना मन सदा रहने वाला, ना आत्मा ही सदा रहने वाली। मैं तुझे भी कह दूंगा, वो जो तत्व तुम्हारे अंदर है, वो सदा रहने वाला है, वो अजर है, वो अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो माल के कुल की अंश है। आगे बढ़ो।
गहरे गंभीर पार नहीं पावे, खंड अखंड से न्यारा। फिर पढ़ो यही लाइन। गहरे गंभीर से पार नहीं है, खंड अखंड से न्यारा। वो जो स्थान है जिसका जिक्र अशोक ने पढ़ा, सखिया वैखर सबसे न्यारा, वो अखंड है, वो गहर है, वो गंभीर है, उसकी किसी को था नहीं मिली, बेअंत बेअंत बेअंत। तो उसके बारे में सभी संतों ने कहा कि वो बेअंत है। तो गुरु नानक साहब ने तो कमाल ही कर दी, वाणी में लिखते समय लख आकाश आकाश लख पताला पताल, ओड़ कोड़ को पाल थके वेद कहने के बाद, सहस अठारह कहने के तेवा असूर दात, लिखा हुए थी लिखे लिखो अपनास। कहते कितना लेखा लिखो, वो लेखा ही नहीं पूरा होना, सब विनाश है, कुछ नहीं, उनकी गिनती कोई नहीं। बाबा फकीर जी ने कहा कि जितनी धरती है इससे तीन गुना पानी है, जितना पानी है इससे तीन गुना अग्नि है इस ब्रह्मांड में, जितनी अग्नि उससे तीन गुना हवा है, जितनी हवा है इससे तीन गुना आकाश है, और जिसने ये बनाया इतना बड़ा जिसकी कोई सीमा नहीं है उसकी सीमा क्या होगी। मेरी बात को पकड़ो, मैं क्या कहा, वो जिसने ये सारा ब्रह्मांड बनाया जिसकी ब्रह्मांड की भी कोई सीमा नहीं है, तो वो आप कितना बड़ा होगा। इसलिए कहा तिथ वार ना जोगी जाने, रुत माना कुर्त कोए, जा करता सृष्टि को साजे आपे, साजे आपे जाने सोए। उसने इसको साजा है, जिसने इसको साजना की वो ही जानता है, हमें कुछ भी पता नहीं। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। वो अखंड है, आगे। गहरे गंभीर पार नहीं पावे, खंड अखंड से न्यारा, दृष्टि अपार चलब को सहजे, कटे भरम के जारा। तो कहते हैं अपनी दृष्टि को ऊपर उठाओ, अपनी दृष्टि एक नजर है, एक नजर है, एक दृष्टि होती है, नजर आंख की है, दृष्टि अंदर की है, एक अंदर भी आंख है, अब जिसको तीसरी आंख कहते हैं। जब वो दृष्टि खुल जाती है तो फिर ये सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो दृष्टि असलियत को देखती है, ये दृष्टि असलियत को नहीं देख, इसमें अपना और पराया है, इसमें काला और गोरा भी है, इसमें जाति और पाति भी है, मेरी बात समझ गए ना, इसमें रिश्तेदारी भी है, इसमें दुश्मनी भी है, इसमें दोस्ती भी है, इसमें, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ ये चीज़ें नहीं है। बात समझे मेरी को। तो कहते वो जो दृष्टि है उसको विशाल करो तो आपको भी पता लग जाएगा कि तुम कौन हो। आगे निर्मल दृष्टि आत्मा जाकी, निर्मल दृष्टि आत्मा जाकी, जिसकी आत्मा भी निर्मल हो गई, दृष्टि भी निर्मल हो गई, फिर क्या होगा। निर्मल दृष्टि आत्मा जाकी साहिब नाम अधारा, साहिब नाम अधारा, हाँ साहिब नाम अधारा, वो साहब के नाम का आधार, उस नाम को अपनी जिंदगी का आधार समझता है। आधार जानते जिसके सहारे खड़े हैं, कहते जिसकी दृष्टि साफ हो जाए और आत्मा निर्मल हो जाए वो साहब उस मालिक को अपना आधार मानता है, वो किसी देवी देवता को नहीं मानता, वो किसी मठ मंदिर को नहीं मानता, वो किसी षटकर्म को नहीं मानता, वो केवल उसका आधार वो है। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। कहे कबीर ते ही जन आवे, कहे कबीर ते ही जन आवे, मैं ते तजे विकारा। वही जन मेरे पास आएगा जो विकार को त्याग करेगा। ये सब विकार है, विकार मीन जो हमें मिसगाइड करते हैं, जो हमें थोड़ी देर के लिए आनंद देते हैं वो विकार हैं, जो हमें थोड़ी देर के लिए खुशी देते हैं वो विकार हैं,
जो थोड़ी देर के लिए हमारे कानों को अच्छे लगते हैं वो विकार है, जो थोड़ी देर के लिए हमारे आंखों को सुंदर लगता है वो भी विकार है, जो थोड़ी देर के लिए हम खाने में बड़ा स्वाद महसूस करते हैं बड़े स्वाद है वो भी विकार है। क्या कहा मैंने, और इससे पहले मैं क्या बताऊं, कितने विकार हैं। जब तक हम विकार नहीं छोड़ेंगे, ये बुराइयां नहीं छोड़ेंगे, अपने आप को ठहराएंगे नहीं, तब तक हम उस सार शब्द को नहीं पा सकते। पढ़ो फिर। कहे कबीर तही जब आवे मैं कहे तजे बिकारा, साधो भजन भेद है न्यारा। तो भजन भेद फिर न्यारा हो गया कि नहीं, उसमें कोई है किसी चीज की और जरूरत? कुछ भी नहीं करना बाहर में, सिर्फ अपने दिल को साफ करके बैठ जाओ। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने तो जहां तक कर दिया, जब तुम्हें कोई चिंता सताए अपने कमरे में चले जाओ, वहां आंखें बंद करके मालिक से प्रार्थना करो, वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। मगर तुम लोग तो प्रार्थना मतलब के लिए करते हो। कोई मतलब हो गया, कोई जरूरत पड़ गई, कोई तकलीफ आ गई तो मंदिर, गुरु, गुरुद्वारा, पाठ सब कुछ सूझता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को हो। फैसला ही कर दिया कि तुम हर रोज उसको याद करो भाई, सुबह शाम याद करो भाई, वो तुम्हारे लिए बैठा है, तुम्हारी सेवा के लिए बैठा है, ये सारी प्रकृति तुम्हारी सेवा में लगी हुई है, पृथ्वी माँ तुम्हारी सेवा कर रही है, सूर्य देवता तुम्हारी सेवा कर रहा है, इंद्र देवता बारिश से तुम्हारी सेवा कर रहा है, वायु ठंडी आ रही है तुम्हें आनंद दे रही है, आकाश तुम्हें ऊपर से ठंडक दे रहा है, तो बताइए तुम्हें कुदरत क्या नहीं दे रही, फिर भी तुम नहीं मानते, उसको ही मान लो, देखो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्या कहा मैंने, अब इससे परे मैं और क्या कहूँ आपको। तो मैंने तो कबीर साहब को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया, ये कहते हैं मेरे कबीर साहब, यही कहते हैं फकीर साहब, यही कहते हैं फरीद साहब, सभी संतों की वाणी तो एक ही है। क्या कहा, फिक्र करेंदे बावरे, फरीद साहब कहे फिक्र करेंदे बावरे, बावरे मीन पटके हुए, जिक्र करेंदे साध, जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदास जिक्र कर फिक्र करेगा आप, उठ फरीदा जिक्र कर, किसका, जो किया मैंने, किसका, मालिक का, गुरु वाणी का, गुरुओं की शिक्षा का, संतों की वाणी का जिक्र किया ताकि तुम ठहर जाओ, उठ फरीदा जिक्र कर फिक्र करेगा आप, मुझे क्या चिंता। क्या कहा मैंने, खुश रहो, छोड़ो चिंता फिक्र का जीना, काम करो कर्मेंद्रियों में, काम करो, अनेक नीति से काम करो, कोई कमी नहीं रहेगी, बात समझ गए। और जो काम करते हो उसमें से थोड़ा ऐसा किसी गरीब ले भी रख लिया करो, किसी गरीब की मदद करो, किसी दुखे की मदद करो, किसी बेसहारा की मदद करो, वो देख रहा है। बहुत कुछ कह दिया मैंने, आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।